इंडियंस हार गई। आईपीएल 2024 में इन्हें एक और हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर में इन्हें 9 विकेट से मात दी। इस मैच में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने खराब प्रदर्शन किया। तमाम कोशिशों के बावजूद वो अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हार्दिक बैट और बॉल दोनों से नाकाम चल रहे हैं। राजस्थान के खिलाफ उन्होंने नंबर 7 पर बैटिंग की और 10 गेंदों पर 10 रन बनाए, जबकि बोलिंग में 2 ओवर्स में 21 रन दिए। इस हार के बाद पूर्व क्रिएटर इरफान पठान ने हार्दिक को खूब सुनाया। इरफान को लगता है कि हार्दिक फॉर्म में वापस आने के लिए आसान तरीके अपना रहे हैं और अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो अपनी टीम की कमजोर कड़ी बन जाएंगे। एक वीडियो में इरफान बोले, मुंबई इंडियंस पेपर पर अभी भी एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इनका मैनेजमेंट बहुत खराब हो रहा है। खासतौर से अगर एक लीडर के रूप में हार्दिक पांड्या ही फॉर्म में नहीं है तो वो अपनी ही टीम की कमजोर कड़ी बन जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वो अपनी खुद के हिट करने की क्षमता पर असर डाल रहे हैं। ये भारतीय टीम के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्म में आने के लिए आसान रास्ते चुन रहे हैं और खुद को आरामदायक हालात में रख रहे हैं। इस तरह से वो अपनी टीम और टीममेट्स का सम्मान नहीं जीत पाएंगे। इरफान इस बात से भी नाखुश हैं कि हार्दिक पहले जैसे फैसले नहीं ले रहे। बता दें कि हार्दिक गुजरात टाइटंस के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करते थे, लेकिन इस मैच में मुंबई के लिए 3 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद वो नंबर 7 पर आए और बोलिंग के वक्त उन्होंने पहला ओवर फेंका। इरफान बोले, जब बल्लेबाज अच्छा करते हैं वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और यहाँ उन्होंने निहाल वडेरा और मोहम्मद नबी को खुद से आगे भेजा। वो इस पोजीशन पर कभी नहीं जाते जहां उन्हें मुश्किल काम करना होता है। एक लीडर के तौर पर आपको साथियों का सम्मान जीतना होता है, उन्हें मुश्किल काम करने होंगे। आसान रास्तों की ओर ना देखिए, वो पहला ओवर फेंकते हैं ये सोचकर कि वो बच जाएंगे, लेकिन वहां भी उन्हें 2 चौके पड़ते हैं। बटलर को फॉर्म में वापस आने में मदद करते हैं और फिर जब बुमराह बॉलिंग पर आते हैं बटलर के पास आत्मविश्वास आ चुका होता है। इससे पहले हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी, लेकिन संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने उनका यह फैसला एकदम गलत साबित कर दिया। मुंबई ने किसी तरह से 189 रन बनाए। इसमें तिलक वर्मा और निहाल वडेरा की बेहतरीन बैटिंग का बड़ा रोल रहा। तिलक ने 65 और वडेरा ने 49 रन का योगदान दिया। संदीप ने 5 जबकि बोल्ट ने 2 विकेट लिए। जवाब में राजस्थान ने सिर्फ 1 विकेट होकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।